खबर मंगलोर से है, जहां पर इन दोनों जनपद हरिद्वार में बदमाशों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलोर दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्थित ढाबे देर रात अज्ञात बदमाशों ने यहां फायरिंग करके फरार हो गए। फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर सीओ मंगलोर व कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाने लगे। पुलिस ने मौके से कारतूस खाली होकर बरामद किए हैं। घटना के बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। मामला हमको रात लगभग 10:40 करीब आपने ढाबे बैठे हुए थे, तभी एक गोली चली, वो सीधा काउंटर पे लगी। बच्चा काउंटर बैठा हुआ था, उस छूते में निकल गई। फिर एक गोली और चली, पहले तो मालूम ही नहीं हुआ क्या हुआ। जब बच्चे फिर वो अंदर घुसे एकदम कि अब्बा गोली चली है इधर से, तो पता लगा कि ऊपर पुल से कोई आए, उन्होंने गोली चलाई। तो लगभग 10:40 के करीब की घटना है। सूचना मिली कि डेलाइट ढाबा, ये अब्दुल कलाम चौक फ्लाईओवर के नीचे है, इस पर इसके फायर होने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो इसमें जो इनके मालिक हैं, इन्होंने बताया कि इस पर उनका बेटा यहाँ पे काउंटर पर बैठा हुआ था, अब उस पर एक फायर हुआ है, इससे किसी को कोई क्षति नहीं पहुँची है। फायर में गोली शीशे पर लगी हुई दिख रही है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुँच कर सारी तफ्तीश कर रही है।